में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है, अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में लगे इंटरनेट पर बैन हटाने का निर्देश दिया था। वहीं आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पिछली बार कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि पुलिस स्टेशनों से बड़ी संख्या में हथियार लिए गए थे। एससी ने सॉलिसिटर जनरल से उस संबंध की गई कार्रवाई की सीमा के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके अलावा राज्य में इंटरनेट की बहाली की अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मणिपुर सरकार की याचिका भी कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के मंच का इस्तेमाल मणिपुर में तनाव और बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा जनहित याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम केवल राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर सकते हैं और अगर अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं तो कुछ आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन हम कानून या व्यवस्था तंत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र मणिपुर सरकार का काम है। बता दें, मणिपुर सरकार ने स्थिति पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट सौंपी, जबकि इस पर सुनवाई मंगलवार को फिर से शुरू होनी है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसी वजह से राज्य में 2 महीने से इंटरनेट भी बैन है। इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिकाओं पर मणिपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और आदेश दिया था कि गृह विभाग मामलों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में राज्य में 10 जुलाई तक इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया गया था। जाति समुदाय के बीच झड़प शुरू होने के बाद 3 मई को पहली बार पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध किया गया था। इसके बाद इसकी समय सीमा समय पर बढ़ती चली गई।